हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन किसी भी परिषदीय विद्यालय में सहायक शिक्षक, प्रभारी शिक्षक, पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक भाई बहन हैं, तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों का समायोजन होने वाला है। शिक्षक शिक्षिका जो प्रभावित भाई बहने हैं, उन्होंने माननीय हाईकोर्ट की शरण ली, लेकिन उन्हें वहाँ से कोई राहत दोस्तों नहीं मिली। माननीय हाईकोर्ट के समक्ष सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है। डबल बेंच का डिसीज़न रहा। माननीय हाईकोर्ट ने किसी भी प्रकार से ये जो समायोजन की प्रक्रिया है उसको रोकने से मना कर दिया है। अब सरकार के ऊपर है, सरकार कब तक सरप्लस शिक्षकों की सूची निकालती है। यद्यपि की सरकार ने कहा है हमें कोई जल्दी नहीं है, हम 13 सितंबर के बाद ही ये सारे के सारे जो समायोजन की प्रक्रिया है उसको हम अंतिम रूप दे पाएंगे, लेकिन अभी हम पत्र और मीडिया के हवाले कुछ महत्वपूर्ण सूचना और जानकारी आपको देने वाले हैं कि दोस्तों 16 अगस्त से आप शिक्षकों की सूची देख पाएंगे। सरप्लस शिक्षक किन विद्यालयों में हैं और डेफिसिट स्कूल्स का जो लिस्ट है वो आप 16-17 अगस्त 2024 से ही देख पाएंगे। बीएसए साहिबान जितने भी हैं, 75 जनपद के जो भी बीएसए साहिबान हैं, उनके लॉगिन पे ये सूची अवेलेबल रहेगी। तो समायोजन की जो रूपरेखा है दोस्तों सरकार ने तय कर लिया है। माननीय हाईकोर्ट के निर्देश पर ही इस प्रक्रिया का अनुपालन हो रहा है। शिक्षक शिक्षिका भाई बहन माननीय हाईकोर्ट के शरण में गए और पूरी की पूरी प्रक्रिया पे उन्होंने स्टे लगाने के लिए पुरजोर कोशिश की, लेकिन माननीय हाईकोर्ट में उस तौर तरीके से उन्हें राहत नहीं मिल पाई। शुरू में 8 अगस्त तक स्टे मिला, अभी एक बात आ रही है कि 12 अगस्त को भी सुनवाई है, 14 अगस्त को भी डेट लगे हैं, लेकिन जो प्रक्रिया को बाधित करने से संबंधित दोस्तों किसी भी प्रकार का डिसीज़न नहीं है। और कुछ एक्सेप्शनल अगर बातें ना हों तो मान के चलिए ये एज इट इज़ कंटिन्यूड रहेगा। और डबल बेंच का ये जो डिसीज़न है वो शिक्षकों में खलबली मचाए है। आइए दोस्तों देखते हैं कि मीडिया के गलियारे से क्या महत्वपूर्ण बातें निकल के आ रही हैं। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक समाप्त हो चुकी है। विधि संवाददाता प्रयागराज से हम बातें करते हैं, यही कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के स्थानांतरण पर लगाई गई रोक समाप्त करते हुए छात्र अध्यापक अनुपात में शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया पूरी करने की छूट दे दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति SD सिंह तथा न्यायमूर्ति डोनादी रमेश की खंडपीठ ने नीरजा व 50 अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट के आदेश पर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर समयबद्ध कार्ययोजना भी पेश की। कहा कि 30 जून 2024 तक पंजीकृत छात्र संख्या का डाटा स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस उत्तर प्रदेश के पोर्टल पर अपडेट किया गया है। NIC की मदद से इसकी स्क्रूटनी भी पूरी हो चुकी है। 26 जून 2024 के शासनादेश व कोर्ट के आदेश के अनुक्रम में अधिक और कम अध्यापक वाले विद्यालयों को चिन्हित किया गया है। तदनुसार समायोजन की कार्यवाही भी की जाएगी। अधिक शिक्षक या शिक्षिका गणना 13 और 14 अगस्त को कर ली जाएगी। 16 और 17 अगस्त को सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन में प्रदर्शित होगी, जिसमें अंतिम डाटा उपलब्ध होगा। तो दोस्तों, आप मान के चलिए कि आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन से पोर्टल को एक्सेस किया जाएगा। 16 और 17 अगस्त को फाइनली ये सरप्लस और डेफिसिट का जो भी शिक्षकों का डाटा है वो आ जाएगा। मान के आप चलें कि 17 अगस्त के बाद यानी 20 अगस्त तक ये जो सूची है वो हो सकता है कि व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे आपके अवलोकन के निमित्त पेश कर दी जाए। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द आपके समक्ष समायोजन या शैक्षिक विमर्श से संबंधित अन्य वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।